करनाल के वसंत विहार इलाके में मंदिर व अम्बेडकर भवन में चोरी की वारदात हुई है। चोर मंदिर को गुल्लक व भगवान के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। मौके पर मौजूद नागरिकों ने बताया कि गत रात्रि अज्ञात चोर मंदिर व अम्बेडकर भवन में घुस गए और मंदिर से गुल्लक व भगवान की मूर्तियों से आभूषण उतार कर ले गए। उन्होंने बताया कि अभी अभी गुरु रविदास की जयंती मनाई गई थी, जिसके चलते गुल्लक में काफी दान राशि रखी गई थी, परंतु चोर उसको अपने साथ चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यहां पर पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है और बार बार पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है कि यहां पर कुछ शरारती तत्व बैठकर नशा करते हैं, परंतु पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते यहां एक और चोरी की वारदात सामने आ गई है। वहीं वहां के निवासियों ने बताया कि रात को ही शरारती तत्वों द्वारा घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे नई गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि यहां पर पुलिस की गश्त बार बार बढ़ानी चाहिए, ताकि शरारती तत्वों के मन में पुलिस का खौफ बैठ सके। उन्होंने बताया कि मंदिर से लगभग 1 लाख के करीब का सामान चोर चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर एवं मौके का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जी, यहाँ पर चोरी हुई है, कितने की चोरी हुई है, कौन सा मंदिर है ये? जी, गली नंबर 10 में शिव मंदिर है पीपल वाला। यहाँ रात को चोरी हुई है, लगभग 1.5 लाख के और 2 लाख के बीच में सामान गया है। जैसे चांदी के कड़े थे, भगवानों के हाथ में श्रृंगार था, कपड़े थे, यहाँ बड़े बर्तन थे, टप पतीले, बाकी पंडित जी के भी बर्तन थे जी, एक एम्पलीफायर था जी, सभी ले गए। तो क्या कार्रवाई की जा रही है, शिकायत दी? शिकायत ऐसे था जी, कल सवेरे 6 बजे पुलिस को 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई है जी 10 बजे, वो भी एक पुलिस वाला आया, बाकी उन्होंने कोई हमारी सुध बुध नहीं ली। हमने पहले भी SP साहब को एक बार कहा था 2 साल पहले, भाई यहाँ पे कुछ नशेड़ी दबका बैठता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, रात को कोई राउंड लगाया जाए, लेकिन वो एक दो बार राउंड लगाया, उसके बाद कोई राउंड नहीं। तो मंदिर में कोई सोता है रात में? मंदिर में कोई नहीं सोता जी। तो लापरवाही तो सामने आ रहा है? लापरवाही का जी, शुरू से आज तक तो कुछ नहीं, आज सुई भी नहीं उठी जी। ये तो बहुत पुराना मंदिर है जी। और कहाँ कहाँ चोरी हुई? एक अम्बेडकर भवन में भी एक गुल्लक है, उसमें भी 1 साल के पैसे थे, कुछ उनकी जनती के भी पैसे थे। वो इतवार को उनकी एक मीटिंग थी, उन्होंने वो खोलनी थी गुल्लक, वो भी रात को चली गई। पुलिस आई है मौके पे? पुलिस मौके पे जी 10 बजे आई है, उससे पहले हम तो 6 बजे यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, कोई भी पुलिस वाला नहीं आया, वो 10 बजे एक मुलाजिम आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। रिपोर्ट करवा दी? रिपोर्ट करा दी जी। क्या पता लगा? इधर हमारे को पता चला, औरतें बात कर रही थी, इस मंदिर में चोरी हो गई, रविदास मंदिर में चोरी हो गई। हाँ, मैंने तो यही सुना। क्या गुल्लक वगैरह ऐसे कोई बातें कर रहे थे, गुल्लक वगैरह की चोरी हो गई, गुल्लक ले गए उखाड़ के। हाँ, इतना नहीं पता ले गए नहीं ले गए। तो क्या तो क्या कहेंगे आप चोरियों से? आप लोगों में भय है, दहशत तो है ही, सभी को दहशत है। अभी मैंने इस लड़के को बताया, ये भी कह रहा था अभी बेचारा इसकी दुकान सामने है, वो तो जाए आदमी को, वैसे तो हो ही जाए। पहले भी होते इस तरह की वारदात? पहले तो हमने नहीं सुना इस मंदिर में कभी चोरी जाना, उस मंदिर में तो बारे अभी सुना हमने। भाजी मेरे को तो अभी पता लग गया भाई, इसमें अम्बेडकर भवन में चोरी हो गई है और गुल्लक ले गया उठा के। तो क्या इतना पता लग गया मेरे को? कोई शिकायत दी, पुलिस आई थी? भाई ये तो मेरे को पता नहीं, मैं तो अभी आया थोड़ी देर हो गई। अच्छा, आपकी दुकान है यहाँ? हाँ, ये दुकान है जी सामने। तो आसपास खतरा है, ऐसे लोग यहाँ चोर रहे हैं? जी क्या कहेंगे भाई? ये तो यहाँ के लोग ही कहेंगे, जो कहेंगे मैं तो कुछ कर नहीं सकता। पुलिस से क्या मांगे है जी? पुलिस यहाँ सुरक्षा बढ़ाए? हाँ, पुलिस की सुरक्षा बढ़ाए बनती है, वो तो निभानी चाहिए। इसका जी पता नहीं मेरे को तो, इसके बारे में। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।